क्या उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डिंपल यादव जी को मिलेगा। अध्यक्ष जी क्या लगता है कि ये बीजेपी का षड्यंत्र था तो एक महीना भी नहीं हुआ था नेताजी के निधन को और अचानक इन्होंने चुनाव का घोषणा कर दी है? मैं इसमें कोई इस बात को नहीं कहूंगा क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला होता है और चुनाव तो होना ही था और इन परिस्थितियों में जब हो रहा है तो अभी नेताजी की यादें ताजी हैं। जिन लोगों से मैं मिला हूँ वो लोग न जाने कितनी पुरानी बातें जो नेताजी के साथ में उनकी चर्चा करते हैं। यहाँ के बुजुर्ग जो नेताजी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया, वो लोग उनके साथ की कहानी, उनके साथ जो बात और उनके साथ जो वक्त गुजरा उसके बारे में बताते हैं। नेताजी की यहाँ बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं। इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अखिलेश जी, चाचा सतपाल यादव नामांकन में क्यों नहीं आए? सतपाल जी को के लिए जो आलोक साथ के भाई कैमरा इस भाई पीछे कर ले, राजनायक बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एएच आसमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भर जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं, जब नेताजी नहीं है तो हम सब दुखी हैं। इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया और वो हम लोग पर्चा भरेंगे। बीजेपी अभी प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई है जी, क्या आशीर्वाद मिला? मैं भाजपा के लिए कुछ नहीं कहूंगा। चाचा साहब ने लिया कई लोग उम्मीद थी, मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है, पूरा परिवार सब साथ हैं।